आज के सेशन में हम लोग तीन तरह के सेल्स को माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखने वाले हैं और साथ ही उन सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं, उनके अंदर जो मौजूद ऑर्गेनेल्स हैं उनके शेप, स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद एन एनिमल सेल फर्स्ट। चलिए हमने पहले एक एनिमल सेल का सैंपल लिया। नाउ दिस इज द ओवरऑल यू नो लाइक व्यू ऑफ एन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल जो है, जितने भी एनिमल्स होंगे सब जो है छोटे छोटे सेल्स से बने होते हैं और हर एक सेल के अंदर कई ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लॉइड हो कहलाता है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया है, तो देयर इज लॉट्स ऑफ लाइक यू नो लाइक ऑर्गेनेल्स इनसाइड इट। और इनका काम क्या होता है? तो बेसिकली इनका काम होता है एनिमल सेल को जिंदा रखना, इसे रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करना, और इसके अलावा जो है एनिमल्स को जो डिफरेंट तरह के फंक्शंस करने होते हैं उन फंक्शंस को भी जो है पॉसिबल बनाना। चलिए हमने ओवरऑल एक एनिमल सेल का तो व्यू देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द एनिमल सेल वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को। नाउ दिस पार्ट इज व्हाट यू कॉल द सेल मेम्ब्रेन, राइट। ये एक प्रोटेक्टिव लिपिड बायलेयर होता है हर एक सेल को, जो कि बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। अब चलिए इस सेल मेम्ब्रेन का एक क्लोजअप व्यू देखते हैं। ये लिपिड बायलेयर हुआ, ये जो है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हो गए। तो दो लेयर है ना, एक ऊपर का लेयर और एक नीचे का लेयर, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लिपिड बायलेयर, ओके। और ये सेल मेम्ब्रेन का काम हमने क्या देखा था कि ये सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों एनवायरनमेंट को ये सेपरेट करता है, राइट। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एनवायरनमेंट्स को ये सेपरेट करता है, और ये सेमी परमिएबल होता है, तो यानी कि ये सर्टेन चीज़ों को अपने अंदर या बाहर जाने देगा और बाकी चीज़ों को रोकेगा। तो बेसिकली इस मेम्ब्रेन का चूंकि काम क्या है कि अंदर और बाहर क्या चीज़ें अंदर से बाहर जा रही हैं या बाहर से अंदर आ रही हैं उनको रेगुलेट करना, तो इसमें सीन क्या होता है कि जो स्मॉल अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है डिफ्यूजन के जरिए डायरेक्टली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ये अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, ये सीधा डिफ्यूजन के जरिए अंदर आ गए। दूसरी तरफ ये जो है मॉलिक्यूल, ये चार्ज्ड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है। तो ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ये वाला, या फिर जो चार्ज्ड आयन्स हैं ये वाला, ये जो है डायरेक्टली मेम्ब्रेन के जरिए अंदर नहीं आ सकते। तो इसमें से कुछ आयन्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के जरिए जो है अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा एक प्रोटीन चैनल बना हुआ है जिसके जरिए जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अंदर आ सकते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट ऑफ यू नो लाइक ट्रांसफर, ये जो है प्रोटीन चैनल हुआ। और फॉर एग्जांपल लाइक सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह के बारे में जब आप ग्रेड 9 में पढ़िएगा तो वो भी इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पर क्या होगा कि ATP जो है इसके साथ कनेक्ट होगा, तो ये जो है ओपन होगा अंदर से और मॉलिक्यूल बाहर की तरफ ट्रांसफर होगा, और जब वो ATP हटेगा तो फिर ये क्लोज होगा और मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की तरफ आएगा। तो चलिए हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो देख लिया यहाँ पर। नाउ लेट अस मूव इनसाइड। सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जितना भी सेल के अंदर का चीज है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये बीच का जितना भी ये स्पेस है ये सब साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। इसमें सारे ऑर्गेनेल्स भी आ जाएंगे, और इसके अलावा इसमें एक जेली जैसा सब्सटेंस भरा होता है जिसे कहते हैं साइटोसोल, ओके। इफ़ यू वांट वी कैन लाइक जूम इट फर्दर, राइट। दिस इज योर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना चीज भरा हुआ है, दिस इज योर साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बाद हम देखते हैं सबसे पहले उन चीज़ों को जो कि इसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें अब हम लोग साइटोप्लाज्म के बाद सीधा चलते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस पर। सो लेट्स गो टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर आपका जो है सारा DNA वगैरह जो है वो मौजूद होता है। ये एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस जो होता है सेल का उसको प्रोटेक्ट करता है। इस मेम्ब्रेन में जो पोर्स या छेद होते हैं उसके जरिए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर या बाहर जा सकते हैं। दिस इज अ क्लोजअप व्यू। तो
तो ये जो पोर्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये पोर्स जो है सर्टेन चीज़ों को, सर्टेन मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर जाने दे रहे हैं। इन दिस केस यू नो लाइक आरएनए, एमआरएनए जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। दूसरी तरफ इसी रास्ते से चार्ज पार्टिकल्स भी जो है वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, राइट। न्यूक्लियस के अंदर सेल का डीएनए मौजूद होता है, ओके, वही डीएनए जिसके हेल्प से सारा हमारा सेल के अंदर का एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट होता है। किस तरह का प्रोटीन सिंथेसाइज करना है ये भी कौन रेगुलेट करता है, हमारा डीएनए रेगुलेट करता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आपके सेल के अंदर जितना भी केमिकल प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, उस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम जो है ये न्यूक्लियस हमारा करता है। दिस इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, ओके। न्यूक्लियस के अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इस ऑर्गेनल के अंदर जो है आरएनए मौजूद होता है और ये जो है राइबोसोम सिंथेसाइज करता है, ओके, वही राइबोसोम जो कि प्रोटीन बनाने के काम आता है। चलिए हम लोगों ने जो है न्यूक्लियस के इस स्ट्रक्चर को तो देख लिया, अब हम इससे बाहर निकलते हैं। न्यूक्लियस से ठीक बाहर निकलने पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, राइट, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बगल का, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पूरा फैला हुआ है। ये जो है सैक्स का एक नेटवर्क है जो कि सेल के द्वारा यूज होने वाले जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें राइबोजोम्स मौजूद होते हैं। लार्ज इट फर्दर, यहाँ आप देख सकते हैं कि राइबोजोम्स वगैरह जो होंगे वो इसमें मौजूद मिलेंगे आपको। ये डॉट डॉट जैसा जो दिख रहा है ना स्ट्रक्चर आपको साथ में, दीज आर राइबोजोम्स, ओके। तो ये राइबोजोम्स जो मौजूद होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, और जो ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं वो जो है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए ही जो है ट्रांसपोर्ट होता है। अब देख सकते हैं बड़ा सा ये जिगजैग जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, भूल भुलैया है, इसी के जरिए जो है सभी केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ओके। अब यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम लोग देखते हैं गॉल्गी अपैरेटस को। तो गॉल्गी अपैरेटस, लेट मी जस्ट जूम इट बैक, दीज आर लाइक योर गॉल्गी अपैरेटस। ये भी जो है मेम्ब्रेन के जो है स्टैक्स हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कम केमिकल कंपाउंड्स वगैरह आए हैं उनको ये कलेक्ट करने का काम करता है और उनको ये मॉडिफाई करता है, ओके। गॉल्गी अपैरेटस जो है इन कंपाउंड्स को फिर पैक करता है ताकि सेल के दूसरे हिस्सों में इसका यूज हो सके या फिर इसे सेल के बाहर जो है वो भेजा जा सके। अब सेल के अंदर जो इन केमिकल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो वेसिकल्स के जरिए होता है, यानी कि छोटे छोटे जो है पैकेट्स के जरिए जो है ये होता है। तो हम देखते हैं कि ये वेसिकल्स क्या है। ये टाइनी टाइनी जो है छोटा छोटा जो है आपको पैकेट जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो कि गॉल्गी अपैरेटस ने बनाया था, इसे कहते हैं हम वेसिकल। वेसिकल जो है बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स बनाए गए हैं तो उनको स्टोर करने और उनको जो है किसी खास जगह पर डिलीवर करने का काम जो है ये करते हैं। लेट मी गो बैक, ओके। तो सेल के अंदर कहीं पर पहुंचाना है न्यूट्रिएंट्स को तो कौन पहुंचाएंगे, ये वेसिकल्स पहुंचाएंगे। सेल के बाहर कहीं पहुंचाना है तो बाहर पहुंचाने का काम करेंगे वेसिकल्स में ही आपके वैक्यूल्स और लाइजोजोम ये भी आ जाते हैं। लेट्स चेक आउट ए सिंपल एग्जाम्पल, ये वेसिकल आपका हुआ और इन वेसिकल्स के साथ जो है ये वेसिकल्स जो है वो साइटोस्केलेटन के जरिए जो है ये मूव करते हैं, ओके, किस प्रोसेस के जरिए, काइनेसिन प्रोसेस के जरिए। काइनेसिन बेसिकली जो है वो माइक्रोट्यूबल्स के अलोंग जो है ये वॉक करता है। अब देख सकते हैं वेसिकल्स कैसे जो है सेल के अंदर केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब वेसिकल्स में ही हमने जो है दो वेसिकल्स के बारे में खास करके देखा था, वैक्यूल के बारे में और लाइजोजोम के बारे में। तो वैक्यूल क्या होता है, ये एक खास तरह का वेसिकल होता है जो कि वाटर, सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वगैरह स्टोर करने का काम करता है। इसके अलावा वैक्यूल्स जो है ये सेल से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम भी करते हैं। अगर चाहे तो इसको हम फर्दर जूम करके देख सकते हैं, सो दीज आर योर वैक्यूल्स। एनिमल सेल में बहुत ही टाइनी वैक्यूल्स आपको मिलेंगे। अब हम लोग लाइजोजोम को देखते हैं।
ये लाइजोजोम जो है ये भी खास तरह के वेसिकल्स आपके हो गए। इनमें एंजाइम्स और केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि सेल के अंदर जो है जो मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कोई ऑर्गेनल वगैरह अगर डैमेज हो गया ना या खराब नहीं काम नहीं कर रहा है तो उन ऑर्गेनल्स को भी ये अपने अंदर ले आते हैं और उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये जो है गॉल्गी एपरेटस के द्वारा जो है इनका प्रोडक्शन होता है लाइजोजोम्स का। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सेंट्रियोल्स, सॉरी राइबोजोम को देख लेते हैं पहले, जो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। तो राइबोजोम्स जो होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है मौजूद होते हैं। ओके, आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दिए जो पॉइंट्स देख रहे हैं दीज आर राइबोजोम्स। ये जो है इनका काम क्या होता है, ये राइबोजोम्स यहाँ तो मौजूद होंगे ही, इसके अलावा ये पूरे साइटोप्लाज्म में भी आपको जो है फैले हुए दिख सकते हैं। देख सकते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में भी फैला हुआ है ये, राइट। ये टाइनी स्ट्रक्चर्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस के साइट्स हैं, यानी कि ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस करने में बड़ा जो है रोल प्ले करते हैं। अगेन लेट मी गो बैक। यस, अब चलिए इनका क्लोजअप देख लेते हैं कि कैसे राइबोजोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइबोजोम जो है बेसिकली क्या करता है कि एमआरएनए जो आपके न्यूक्लियोलस से होके आया था उस एमआरएनए को ये ट्रांसलेट करते हैं और उससे जो है ये एमिनो एसिड्स के सीक्वेंसेस या प्रोटीन्स तैयार करते हैं। बेसिकली टीआरएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो एमिनो एसिड्स को राइबोजोम तक लाते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स जो है उनको आपस में जोड़ा जाता है, देख रहे हैं ना, ये एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते जा रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है चेन, ये जो बढ़ता हुआ चेन जा रहा है दिस इज द चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। ओके, तो बाद में ये बड़ा सा चेन जब बन जाएगा तो ये जो है कॉम्प्लेक्स शेप में फोल्ड हो जाता है और इससे जो है प्रोटीन बनता है। सो दिस इज हाउ योर यू नो लाइक राइबोजोम वर्क्स, राइट। टीआरएनए की हेल्प से ये क्या कर रहा है, एमिनो एसिड्स का जो है चेन बना रहा है, जो एमिनो एसिड्स का चेन जो है वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स शेप में फोल्ड होके जो है खास तरह का प्रोटीन तैयार करेगा। अब राइबोजोम के बाद हम लोग जो है मूव करेंगे साइटोस्केलेटन पर। देखिए, सेल को जो है खास स्ट्रक्चर देने में सेल मेम्ब्रेन का तो एक योगदान है ही, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये साइटोस्केलेटन जो है वो सेल को एक खास शेप देने में काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये साइटोस्केलेटन जो है ये एक्टिन, माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बने होते हैं जो कि सेल के मूवमेंट में जो है हेल्प करते हैं और साथ साथ सेल को इसका शेप भी देते हैं। वेसिकल्स के बारे में भी आपने पढ़ा ही था कि वेसिकल्स भी जो है वो इन माइक्रोट्यूबुल्स के इर्द गिर्द ही जो है ये मूव करते हैं, राइट, गॉल्गी बॉडी से सेल के दूसरे हिस्से में। सो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी बड़ा योगदान करते हैं। अब इसके अलावा जो है और एक खास हो गया आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ये बंडल्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको, ठीक है ना। ये जो है बेसिकली सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोजोम्स को ऑर्गेनाइज करने में और उनको मूव करवाने में जो है बड़ा योगदान देते हैं। सो लेट्स गो बैक टू दिस इज योर सेंट्रियोल। तो जैसे ही सेल डिवीजन का टाइम होगा ना तो ये अपोजिट एंड्स पर मूव करेंगे, समथिंग दैट वी विल लर्न व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मेयोसिस। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड, ओ या वन इम्पॉर्टेंट वन इज लेफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, ये जो है न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में चेंज करता है जो कि सेल के द्वारा यूज किया जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खासियत ये है कि इनका अपना खुद का डीएनए होता है और ऐसी संभावना है कि एक समय में ये खुद जो है एक इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया रहा होगा जो कि कभी किसी सेल के द्वारा जो है कंज्यूम कर लिया गया होगा और उस दिन से ये सेल के अंदर ही जो है रहने लगा होगा, क्योंकि सेल को इससे बहुत फायदा होता है, ढेर सारी ये एनर्जी रिलीज करता है। अब चलिए माइटोकॉन्ड्रिया का एक क्लोजअप देखते हैं। देखिए, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइट। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज होता है वो दो छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है जिसे कहते हैं पाइरूवेट्स। इस प्रोसेस में वाटर रिलीज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाइरूवेट जो होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से इसका ब्रेक डाउन होता है और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है इसका, और इसके साथ जो है एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में जिसे कि सेल यूज कर सकती है। सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन योर माइटोकॉन्ड्रिया। दो छोटे पाइरूवेट्स आए, ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और ढेर सारी एनर्जी रिलीज हुई। सो वेल स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल सेल।
इन द नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू लुक इनटू प्लांट सेल्स. कुछ ही ऑर्गेनल्स होंगे जिनका की स्ट्रक्चर हमें वहाँ पर खास जगह की फंक्शन और स्ट्रक्चर हमें समझना होगा. अदरवाइज ऑल दीज ऑर्गेनल्स आर मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर कॉमन बिटवीन एनिमल सेल्स प्लांट सेल्स. ओके सो लेट्स एंड द सेशन हियर. नाउ वी विल जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ दिस टॉपिक वेयर यू विल हैव टू आंसर सम MCQs. वेल बच्चों, अब पहला काम है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया है. So you have to pick between A, B, C and D. Which of the following cell structures is the site of photosynthesis? Well, that is something we will cover in plant cells. So you can skip this question. You can skip the third one as well because we haven't covered plant cells yet. Yeah, so leave these questions for the time being except for the first question. We will learn about or we will complete these questions later on when we have learned about plant cells and bacterium as well. Okay, thank you.